हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8 के विषय हिंदी की कार्यपत्रक 22 करेंगे। डेट है आपकी इस पक्ष की 5 अक्टूबर 2021। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। कार्यपत्र को स्टार्ट करने से पहले आपसे बच्चे प्लीज़ मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं हम आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे, चैप्टर है हमारा कबीर की साखियाँ। तो प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। आइए इसी क्रम में आज कबीरदास जी रचित कुछ साखियों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम कबीरदास के द्वारा रचित साखियों को पढ़ेंगे। तो साखी देखते हैं पहले। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान। इसका हम भावार्थ देखते हैं। तो बच्चे, इन पंक्तियों में जो कवि है वो कहना चाहते हैं, कबीरदास अपनी इस साखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस प्रकार मयान की वजह तलवार या तलवार की धार को महता या वृत्ता दी जाती है, जैसे आप कहें ना, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो मयान, मतलब मयान पे आप महत्व ना दो बल्कि आप तलवार को महत्व दो, ठीक इसी प्रकार साधु या सज्जन पुरुष की जाति या धर्म के बजाय उसके ज्ञान को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, तो जाति ना पूछ के हमें साधु की क्या पूछनी चाहिए, उसके ज्ञान की महत्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड साखी है बच्चों, इसमें आवत गारी एक है, उल्टी होई अनेक, कहत कभी नहीं उल्टी है वही एक ही एक। तो इसका हम भावार्थ देखते हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास कहना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति के गाली अपशब्द या कुटु वचन के जवाब में गाली अपशब्द या कुटु वचन नहीं कहना चाहिए। इट मीन्स क्या है कि अगर हमें कोई गाली वचन को या कड़वे वचन अगर हमें कोई बोलता है तो उसके लिए हमें कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति फिर से अनेक प्रकार से अपशब्द कहेगा। अगर हम उसको एक गाली देंगे तो जिस व्यक्ति जो जिसने हमें पहले गाली दी थी वो हमें और ज़्यादा गाली देगा या अपशब्द कहेगा। अर्थात ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए, गाली या अपशब्द के जवाब में गाली अपशब्द नहीं कहना चाहिए। तो गाली के कि उसमें जवाब में हमें गाली नहीं देनी चाहिए बच्चों। अब हम देखते हैं अपरिचित वर्ग, जो शब्द हमारे लिए अपरिचित हैं। तो साध क्या होता है, साधु या सज्जन। मोल क्या होता है, कीमत या सम्मान। मयान क्या होता है, तलवार रखने का कोल। गारी क्या होता है, गाली अपशब्द या कुटु वचन। उल्टा तो मतलब जवाब देने पर। अब हम देखते हैं बच्चों इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो आशा है आपने इन पंक्ति के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन पंक्तियों के आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं और लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन साधु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो साधु का कौन सा पर्यायवाची नहीं है बच्चों, गगन। कि गगन क्या होता है, इसका मतलब आकाश होता है। तो सेकेंड फर्स्ट का करेंगे खै, गगन। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनेक का विलोम शब्द छाटी। विलोम क्या होता है, अनेक 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 का मतलब क्या, ज़्यादा। विलोम का मतलब क्या है, किसका अपोजिट बताना है आपको, उसको उल्टा। अनेक का अपोजिट क्या बनेगा, एक। तो सेकंड का आप करेंगे एक। थर्ड क्वेश्चन है, कबीरदास जी के अनुसार सज्जन पुरुष की पहचान किस प्रकार की जानी चाहिए। तो इसको उत्तर हम लिखते हैं। तो इसका आंसर आप लिखिए, सज्जन पुरुष की पहचान उसकी जाति या धर्म से न करके उसके ज्ञान से करनी चाहिए बच्चों। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, तलवार और म्यान में से कबीरदास म्यान का महत्वपूर्ण क्यों नहीं मानते हैं। तो देखते हैं क्यों नहीं मानते बच्चों, म्यान का महत्वपूर्ण नहीं मानते कबीरदास जी, वो मानते हैं तलवार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। से कबीर यह कहना चाहते हैं कि चाहता है कि असली चीज़ की कदर की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि म्यान तो सिर्फ रखने के काम आती है, तलवार से ही सारा काम होता है। तो इसलिए दिखावटी चीज़ों पे ना जाके हमें जिसकी वैल्यू होती है उसका ही हमें मान या सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी के द्वारा गाली अपशब्द लेते देते समय कबीरदास संयम रखने की बात क्यों कहते हैं। तो क्यों कहते हैं इसमें हम देखते हैं, तो इसमें लिखेंगे, यदि किसी परिचित या तो इसमें लिखेंगे, ऐसा करने से वह व्यक्ति, यहाँ से लिखेंगे आप इसको, किसी व्यक्ति से लेकर यहाँ तक लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें संयम से लेना चाहिए। अगर हम संयम से नहीं करेंगे तो जो व्यक्ति हमें पहले गाली दे रहा था उसको अगर हम फिर से गाली देंगे तो वो हमें फिर और ज़्यादा गाली देगा। तो इसलिए हमें संयम से काम लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारा गतिविधि। गतिविधि में है, उपयुक्त साखी में से आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। अनुच्छेद के रूप में अपने विचार लिखिए। तो देखिए इसका आंसर हम, तो इसमें लिखेंगे, उपयुक्त साखियों में से हमें वस्तु के रंग रूप पर ध्यान न देकर उसकी गुणों पर ध्यान देने वाली बात सबसे अच्छी लगी। आप लिखेंगे सबसे अच्छी लगी। ठीक है, ये बात हमें सबसे अच्छी लगी कि हमें किसी के रंग रूप पे ना जाके
उसके गुणों पर ध्यान देना चाहिए। तो ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी, जो बात आपको अच्छी लगी आप वो लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये वाला भी लिख सकते हैं। वर्कशीट आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी। और प्लीज़ बच्चों आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।